नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर तुरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर थाने में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूरोसिस पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइकेट्री को दो चीज़ों में विभागा गया है, एक यानी साइकोसिस और दूसरा है न्यूरोसिस। साइकोसिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की, अब मैं आज बात करूंगी न्यूरोसिस पे। तो न्यूरोसिस ये भी एक मेंटल कंडीशन ही है, मेंटल कंडीशन है लेकिन माइल्डर फॉर्म में है, यानी साइकोसिस के मुकाबले माइल्डर फॉर्म में है। ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज इसमें ज़्यादातर आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, ओसीडी है, फोबिया है, पैनिक है, हिस्टेरिया है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ऐसे काफ़ी, ये मैंने मेन आपको बताया, लेकिन ऐसे काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज न्यूरोसिस में आते हैं। न्यूरोसिस में क्या होता है कि मेनली हमको दो चीज़ें मिलती है, एक तो बहुत डिस्ट्रेस मिलता है उस व्यक्ति में और दूसरा होता है फंक्शनल डेफिसिट्स, यानी हम वो डे टू डे वो इंसान फंक्शन नहीं कर पाता है, उसमें कमियां रह जाती है उसके फंक्शनिंग में। इसलिए दो मेन चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब मैंने हर एक प्रॉब्लम का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इन शॉर्ट मैं आपको हर एक के बारे में बताऊंगी। अब डिप्रेशन यानी सैडनेस है, जिसमें मूड अच्छा नहीं रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। दूसरा है ओसीडी, जिसमें बार बार एक ही विचार आता है और विचार पे अमल करना यानी इम्प्लीमेंट करना वो विचार, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तीसरा है फोबिया, फोबिया यानी एखादी पर्टिकुलर चीज़ का डर लगना, एनिमल्स का डर, ऊंचाई का डर, बंद कमरों का डर, लोगों में जाने का डर, लोगों में बात करने का डर, अकेले भी रहने का डर किसी किसी को लगता है, तो ये फोबियाज हैं। पैनिक यानी अचानक से घबराहट होना और एकदम से पसीना आना, धड़कन तेज़ हो जाना, ऐसा लगना मैं मर जाऊंगा अभी, तो ये हो गया पैनिक। और हिस्टेरिया, हिस्टेरिया यानी फिट जैसा एपिसोड आता है लेकिन वो फिट नहीं होता है, और ये हिस्टेरिया स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, स्ट्रेस की वजह से ये अटैक्स आते हैं। तो ये मैंने जानकारी दी कि न्यूरोसिस में एक्चुअली क्या आता है। अब न्यूरोसिस जो है वो साइकोसिस से अलग क्यों है? क्या होता है कि जब भी एखादी तकलीफ इंसान को, उस एखादी व्यक्ति को होती है, तो उसको रियलिटी टेस्टिंग है कि नहीं ये देखते हैं हम लोग या नहीं। वो अगर आया है तो वो खुद आया है क्या, उसे समझ रहा है क्या कि उसे तकलीफ हो रही है। जनरली साइकोसिस में क्या होता है कि उस व्यक्ति को घर वाले लेके आते हैं, क्योंकि उसे खुद को समझ में नहीं आता कि मुझे बीमारी है, उसे वो रियलिटी टेस्टिंग नहीं होती है। लेकिन न्यूरोसिस में उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये प्रॉब्लम मुझे तकलीफ दे रही है, मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसलिए साइकोसिस और न्यूरोसिस में ये मुख्य फ़र्क हमको देखने को मिलता है। तो ये थी जानकारी न्यूरोसिस के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।